Hello students, have a nice day. Yesterday in previous video I have explained the rest part of the third lesson, that is deep water. But now in this video I would like to clear fourth lesson, rat trap, Selma Lakeport. The rat trap is a story that gives us a psychological insight into human nature. The author highlights how greed or material thing existed in human beings. The story upholds the belief that the essential goodness of human being can be awakened through love and understanding. Once upon a time, एक बार की बात है, there was a man, वहाँ पर एक व्यक्ति था who went around selling स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर, जो तार की बनी छोटी छोटी चूहेदानियों को बेचता था. ही बेट देम, वह उन्हें बनाता था हिमसेल्फ स्वयं एट ओड मोमेंट्स, खाली समय पर. फ्रॉम द मटेरियल्स, उस सामान से. ही गार्ड, जो प्राप्त करता था बाई बेगिंग, कहीं से मांग करके. इन द स्टोर्स, बड़े बड़े दुकानों पर. आर एट द बिग फार्म, से बड़े बड़े कारखानों पर, दुकानों या फार्म हाउसों से कहीं पर भी मांग के लाता था. बट इवन सो, फिर भी द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, लेकिन फिर भी उसका व्यवसाय जो था विशेषतः लाभकारी नहीं था. ही सो ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थीवरी. इसलिए उस जीवन यापन के लिए उसे भीख मांगने तथा छोटी मोटी चोरी करने का, पिटी थेबिट टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, अर्थात जीवन यापन करने के लिए भीख मांगने या छोटी मोटी दोनों चोरी करने का सहारा लेना पड़ता था. इवन सो दिस हिज क्लॉथ्स वेयर इन रेस, फिर भी उसके कपड़े फटे पुराने होते थे. हिज चीक्स वेयर संकेन, उसके गाल चिपके हुए होते थे. एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, और उसकी आँखों में जो भोजन भूख स्पष्ट झलकती थी, अर्थात उसकी आंखों में जो भूख थी वह स्पष्ट चमकती थी. उसको देख करके, उसकी आंखों को देख करके कोई भी कल्पना कर सकता था कि वह निश्चित तौर पर भूखा व्यक्ति था. नो वन कैन इमेजिन, कोई कल्पना नहीं कर सकता हाउ सैड एंड मोनोटोनियस, कि कितना दुख से परिपूर्ण और कितना नीरस लाइफ कैन अपीयर टू सच ए बैंक बॉन्ड. इतने आवारा व्यक्ति, इस प्रकार के आवारा व्यक्ति का जीवन हो सकता है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं. हु प्लॉट्स अलोंग द रोड, जो अपने पैरों को घसीटते हुए चल रहा था. लेफ्ट टू हिज मेडिटेशन, ओन मेडिटेशन, अपने स्वयं की समाधि में, स्वयं के विचारों में खोया हुआ. जब कोई व्यक्ति समाधिस्थ होता तो चलता नहीं है, लेकिन ये समाधिस्थ विचारमग्न होकर के घूम रहा है तो पैरों को घसीट रहा है, ऐसी कुछ लाइन की व्याख्या है. बट वन डे, लेकिन एक दिन, दिस मैन हैड फॉलन इन टू लाइन ऑफ थॉट, लेकिन एक दिन अब यह व्यक्ति, इस आदमी के मन में एक विचार आया जो बहुत ही, विच रियली सेम्ड टू हिम एंटरटेनिंग, जो उसको बहुत ही मनोरंजक लगा, आनंददायक लगा. ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग, वह स्वाभाविक तौर पे सोच रहा था आप ही रेड ट्रैप, अपनी चूहेदानियों के बारे में. फैन सडनली, जब उसके मस्तिष्क में आया, ही वाज स्टक, उसके मस्तिष्क में सडनली केम पॉइंट ऑफ थॉट, एक विचार उसके मस्तिष्क में आया. बाई द आइडिया, विचार, दैट द होल वर्ल्ड, कि जो संपूर्ण पृथ्वी है, अबाउट हिम, उसके आसपास है, द होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड्स, जो आइस लैंड लैंड्स, जिसमें संपूर्ण पृथ्वी है, एंड सी समुद्र हैं, इट्स सिटीज, जिसके शहर हैं, विलेज गांव हैं, वाज नथिंग, कुछ भी नहीं थे, बट ए बिग रेड ट्रैप, सिवाय एक चूहे, बड़ी चूहेदानी के. कहने का भाव ये है कि जो पूरा संसार, पूरी सृष्टि है, ये एक चूहेदानी के अपेक्षा और कहीं कुछ नहीं है. इट हैड नेवर एग्जिस्टेड, इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं रहा है. फॉर एनी अदर पर्पस, पर दूसरे उद्देश्य के, दूसरे उद्देश्य के लिए, देन अपेक्षाकृत टू सेट वेट्स, चारा डालना, फॉर पीपल, लोगों के लिए, अर्थात लोगों को फंसाना. हम कहीं भी लाभ की चीज़ देखते हैं और तुरंत जाके आकर्षित होते हैं, उसमें फंस जाते हैं. इफ इट ऑफर्ड, ये प्रस्ताव रखता था रिचेस, धनी लोगों के लिए, एंड जॉयज, आनंद, शेल्टर, मकान छाया, एंड फूड, भोजन, हीट एंड क्लॉथिंग, और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं
कि गर्मी वस्त्र ठीक ठाक और कपड़े एग्जैक्टली द राइट ट्रैप ऑफर्ड चीज ठीक उसी प्रकार जैसे चूहेदानी ऑफर करती है किसका चीज पनीर का पोर्क सूअर के मांस का एंड एज सून एज एनीवन और जैसे कोई व्यक्ति लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड अपने आप को इनसे प्रभावित होने देता है टू टच द वेट उसको छूना है उसको छूने का प्रयास करता है इट क्लोज्ड बंद हो जाता है अर्थात जैसे ही कोई चूहा लालच पड़ करके इसे छूता है या कोई भी व्यक्ति छूता है जीवन में भी हम लाभ के चक्कर में ज़्यादा पड़ते हैं उसे छूते हैं एंड देन ये बंद हो जाता है इट ऑन हिम एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड और तब सब कुछ फिर बंद हो जाता है अर्थात आप चाहकर भी कुछ कर नहीं सकते हो द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर सीन नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम संसार ये संसार निश्चित तौर पर कभी भी उसके प्रति दयालु नहीं रहा था सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इन दिस वे इसलिए उसके बारे में बुरा सोचने से उसे अजीब सा सुख मिलता था अगर आपका कोई व्यक्ति शत्रु है और यदि वो परेशान है तो बिना किसी कारण के आपको आनंद मिलेगा तो चूंकि यह संसार कभी भी उसके लिए बहुत कंफर्टेबल नहीं रहा है बहुत दयालु नहीं रहा काइंड नहीं रहा है एंड सो इसलिए इट गेव हिम अनवांटेड जो है बिना अनचाहा आनंद से मिलता था टू थिंक इल बुरा सोचने में आप फिर इसके बारे में इंदिश पे इस प्रकार से इट बिकेम ए चेरिस्ट पास टाइम और इस प्रकार के लिए वह बहुत सब नीरस यात्राओं के दौरान ऐसे व्यक्तियों से मिला था ऑफिस ड्यूरिंग मैनी ड्रेजरी बहुत नीरस उदासीन यात्राओं के दौरान अपलोडिंग यात्राओं के दौरान में टू थिंक सोचने के लिए आप पीपल ही न्यू जिनको वह जानता था हु हैड लेट देमसेल्फ बी कॉट इन डेंजरस स्नेयर जो कभी भी हु हैड लेट देमसेल्फ बी कॉट जिन्होंने कभी अपने आप को खतरनाक जाल में फंसने दिया था एंड ऑफ अदर्स और दूसरे हु वेर स्टिल सर्कलिंग और उनके बारे में भी सोचता जो कभी अपने आप को जानबूझकर इस जाल में फंसने दिए थे और उनके बारे में भी जो अभी तक सर्कलिंग अराउंड द बेट इस जाल के चारों ओर बराबर चक्कर लगा रहे थे वन डार्क इवनिंग एक अंधकार से परिपूर्ण शाम को ऐसी वाज ट्रेडिंग अलोंग द रोड जैसे वे सड़क पर थकावट के कारण धीरे धीरे जा रहा था ही कार्ड साइट ऑफ लिटिल ग्रे कॉटेज उसने देखा एक छोटी सी भूरे रंग की कुटिया को बाय द रोड साइड सड़क के किनारे एंड ही नोक्ड एट द ऑन द डोर और उसने दरवाजे पर नोक किया टू आस्क शेल्टर कि क्या उसको रात में रुकने की जगह मिलेगी फॉर द नाइट रात्र में नार वाज ही रिफ्यूज्ड ना तो उसको इंक्वायर किया गया इंस्टेड ऑफ द सावर फेसेज इसके बजाय जो उसका दुख से परिपूर्ण चेहरा था जो घर का मालिक दुखी चेहरों घर का मालिक था व्हिच ऑर्डिनरी बिटवीन जिसे समांतर का से मिला द ओनर मालिक था हु वाज एन ओल्ड मैन जो एक बूढ़ा व्यक्ति था विदाउट वाइफ जिसके कोई पत्नी नहीं थी आर चाइल्ड बच्चे नहीं थे वाज हैप्पी वे बहुत खुश था टू गेट समवन किसी को पा करके टू टाक बातचीत करेगा टू इन हिज लोनलीनेस अपनी उस एकाकी पर बड़ा विचित्र जीवन होता है हम कल्पना नहीं कर सकते लेकिन हमें कल्पना कभी उस व्यक्ति के बारे में करना चाहिए जो कभी अकेले अभी अपना जीवन व्यतीत कर रहा हो और उसको कोई व्यक्ति दुर्भाग्य से सौभाग्य से मिल जाए बातचीत करने के लिए तो कितना खुश होता था उस एकाकी मिटेगी इमिडिएटली तुरंत ही पुट द पॉल्ट्रीज पार्ट ऑन द फायर उसने दलिया के बर्तन को आग पर चढ़ाया एंड गेव हिम सफर उसको शाम का हल्का भोजन दिया देन ही क्रेव्ड ऑफ सच ए बिग स्लाइस पुट ऑफ पॉल्ट्रीज पॉट और तब उसने फिर क्या किया उसने स्लाइस फ्रॉम द टोबैको रोल और तब फिर उसने तंबाकू के बंडल से इतनी बड़ी फांक काट कर निकाली दैट इट वॉज इनफ जो पर्याप्त थी बोथ फॉर स्ट्रेंजर उस अजनबी व्यक्ति के लिए पाइप एंड हिज ओन और उसके लिए भी फाइनली अंततया ही गॉट आउट एंड ओल्ड पैक ऑफ कार्ड उसने एंड प्लेड उसने एक पुराना ताश का जो प्लेइंग कार्ड का पैकेट था उसको निकाला एंड प्लेड
मोजलिस और एक जो मोजलिस नाम का खेल था उसको उन लोगों ने खेला विथ हिज गेस्ट अपने थे साथ में अनटिल बेड टाइम, अर्थात जब तक कि उनके बिस्तर पर जाने का समय नहीं हो गया तब तक वो दोनों उस खेल को खेलते रहे। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जनरस विथ हिज कॉन्फिडेंस, वह बूढ़ा व्यक्ति उदार था विथ हिज कॉन्फिडेंस अपने आत्मविश्वास के साथ में, एज विथ हिज पॉटरी जैसे उस दलिया एंड टोबैको जैसे उसके तंबाकू। द गेस्ट वॉज इनफॉर्म, उस अतिथि को सूचना दी गई थी एटवंस तुरंत, दैट इन हिज डेज उसको बताया गया था कि अपने दिनों पर आए और प्रॉस्पेरिटी अपनी संपन्नता के दिनों पर, हिज होस्ट हैड बीन ए क्रॉप्टर ए रोमसेस आयरन वर्क, जो उसका होस्ट है अतिथि मेजबान है, हैड बीन हुआ करता था क्रॉप्टर किसान एट रोमसेस आयरन वर्क, उस रोमसेस आयरन वर्क में एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड और जमीन पर काम करता था। नाउ अब दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू एनी लेबर, अब भी कोई भी काम श्रम करने में सफल नहीं है, इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, ये उसके केवल एक गाय है जो उसको समर्थन देती थी, सपोर्ट करती थी, जीवन का सहारा थी। यस द वैजी हाँ वह काऊ वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी असामान्य थी, शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी, वह दूध दे सकती थी फॉर द मक्खन के लिए एवरीडे प्रत्येक दिन, एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ थ्रीवरी 30 क्रोनर इन पेमेंट, और पिछले महीने उसने 30 क्रोनर पेमेंट उस दूध के मक्खन के भुगतान में प्राप्त किए थे, ऐसा उसने उसको बताया। The stranger must have seemed incredulous, वह इनके बहुत ही अजनबी व्यक्ति मुझसे प्रतीत हुआ बहुत ही उत्सुक, फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप, कि वह व्यक्ति उठे बहुत उत्सुक था, फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप, वह व्यक्ति उठे एंड बेंट टू द विंडो और खिड़की के पास गया, टुक डाउन ए शेल्टर लेदर, टुक डाउन उतारा इस लेदर पाउच, एक चमड़े का कोई छोटा सा बैग होगा, विच हंग ऑन ए नेल इन एवरी विंडो, जो प्रत्येक खिड़की फ्रेम पर कहीं लगा था टंगा था, एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड और 3 मुड़े हुए 10 क्रोनर बिल्स और 3 रिंकल्ड मुड़े हुए 10 क्रोनर बिल्स निकाले, दीज ही हेल्ड अप, उसने उसे रखे थे बिफोर द आईज ऑफ हिज गेस्ट, अपने अतिथियों के सामने, अतिथि के सामने नोडिंग सर हिलाते हुए नोइंगली जानबूझ करके, एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, तब उन्हें फिर से उसी थैले में वो इस तरह पकड़े कि अतिथि को दिखाई दे जाए, जानबूझ करके कि अतिथि इनको देख ले, और तब उनको उसने फिर से उसी पर पैक कर दिए। द नेक्स्ट डे अगले दिन बोथ मेन गॉट अप इन गुड सीजन, दोनों ही व्यक्ति अच्छी मन स्थिति पर जागे, गुड सीजन अच्छा ऋतु नहीं कहेंगे, अच्छी मेंटल कंडीशन कहेंगे। द क्रॉप्टर वाजी ने हरी, वह जो किसान था थोड़ा जल्दी में था टू मिल्क हिज काऊ, अपनी गाय का दूध निकालने के लिए, एंड द अदर मैन, और वह व्यक्ति दूसरा व्यक्ति प्रॉब्ली शायद थॉट, सोचा ही शुड नॉट स्टे, वह नहीं ठहरेगा इन बेड बिस्तर में, व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, क्यों जब उसके घर का मालिक जग गया हो तो उसको और बिस्तर पर नहीं रहना चाहिए, ऐसे उसने उसका परंपरा देखी। दे लेफ्ट द कॉटेज, उसने उन्होंने झोपड़ी को छोड़ा एट द सेम टाइम, एक ही समय पर। द क्राफ्टर लॉक द डोर, उस किसान ने दरवाजे को बंद किया, एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और जो चाबी थी उसको अपने जेब में डाल लिया। द मैन विद द रेड ट्रैप्स सेड गुड बाय, और जो व्यक्ति रेड ट्रैप चूहेदानी बेचने वाला था, चूहेदानी सेलर था, उसे व्यक्ति गुड बाय कहा, थैंक यू धन्यवाद दिया, एंड देयर अपॉन ईच वेंट टू हिज ओन वे, और इस प्रकार दोनों ही व्यक्ति अपने काम पर चले गए, अपने अपने मार्ग पर चले गए। बट हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे के बाद द रेड ट्रैप पेडलर चूहेदानी की फेरी लगाने वाला व्यक्ति स्टूड अगेन बिफोर द डोर, उस दरवाजे के सामने फिर से खड़ा हुआ था। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, हाउएवर उसने अंदर आने का प्रयास फिर नहीं किया, ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, केवल खिड़की पास गया, इस अमेज्ड ए पेन, तोड़ा एक पेन शीशे को, स्टक इन हिज हैंड, अपना हाथ अंदर डाला, एंड गॉट फोल्ड ऑफ द पाउच, और उसने उस थैले को पकड़ लिया विथ द 30 क्रोनर्स, पर 30 क्रोनर थे। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इन टू हिज ओन पॉकेट, उसने उस धन को लिया
उस पैसे को लिया, अपनी जेब में ठूस लिया, डाल दिया दिन ही हंग द लेदर पाउच एवरी वेरी केयरफुली। तब बड़ी सावधानी पर उसने उस चमड़े के थैले को लटका दिया वापस इन इट्स प्लेस के स्थान पर एंड बेंट अवे। दैट्स ऑल फॉर दिस पीरियड। आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। दैट्स ऑल फॉर दिस पीरियड।